आज के वीडियो में मैं आपके किचन की, मेरी किचन पीछे दिख रही है, तो मैं आपके किचन के 5 मसालों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके लिए डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इन 5 मसालों का सेवन करते हो ना, तो आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत ही इजीली तौर पे आप मिल जाएंगे। आपके किचन में ये हमेशा मौजूद ही रहते हैं, शायद ही कभी इसकी कमी होती है। तो इन 5 मसालों का यूज करके आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। ना बारिश का सीजन चल रहा है और इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त, वायरल फीवर और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तो अगर आपको शुरुआती लक्षण लग रहे हैं कि हाँ मेरे शरीर में कुछ तकलीफ, कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत ना भागिए, आप अपने किचन में जाइए और इन 5 मसालों का सेवन जो है वो बढ़ा दीजिए, अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। तो आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी और आप इन बीमारियों से बच सकते हो। बहुत ही इजीली ये 5 मसाले आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही काम का है, इसलिए ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। तो दोस्तों, मैं जिन 5 मसालों की बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहला आता है अदरक। जी हाँ, बारिश में अदरक की चाय पीना किसको नहीं पसंद। जी हाँ, अगर आप अदरक की चाय पीते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अदरक जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे शरीर में गर्माहट को बढ़ाती है। ये आपको सर्दी, खांसी, जुखाम से बचा के रखेगी और जो मौसमी वायरल फीवर होता है, जिसके शुरुआती लक्षण होते हैं, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म करके आपको वायरल फीवर से बचा के रखेगी। अगर अदरक नहीं है तो आप सोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सोड जो होती है वो अदरक को सुखा के बनाई जाती है, वो बेसिकली अदरक की होती है, तो आप सोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मसाला है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च आप सभी को पता है इसकी तासीर गर्म ही होती है और ये सर्दी, खांसी, जुकाम में रामबाण की तरह काम करती है। अगर आप चाय में एक चुटकी काली मिर्च डालते हो या अपने बाकी खानों में, जो भी आप सूप ले रहे हो या फिर कोई सब्जी बना रहे हो, तो आप काली मिर्च का सेवन करते हो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो बूस्ट होती है और आप सर्दी से बच सकते हो। जो वायरल फीवर होता है उससे आप बच सकते हो। गले, अगर आपको गला खराब है तो गले में भी ये आपको काफ़ी हद तक राहत देगी, कफ में ये आपको काफ़ी हद तक राहत देगी और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगी। अगर इस मौसम आपका गला खराब है तो आपको दालचीनी का यूज करना चाहिए। दालचीनी क्या करता है कि आपके कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को गर्माहट देता है और सर्दी से होने वाले रोगों से आपको बचाता है। हल्दी के बारे में आप सभी जानते हो कि हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल बहुत सालों से आयुर्वेद में किया जा रहा है, हमारे शरीर में जो भी रोग है उन्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हल्दी की जितनी भी तारीफ करो कम है, ये एक रामबाण की तरह है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध इस सीजन आप लेते हैं, बरसात के सीजन में, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होती है। आप बीमारियों से, आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और स्वस्थ रहता है। एक मसाला और है लहसुन। जी हाँ, आप लहसुन का इस्तेमाल अगर खाने में करते हो, इससे भी आप बारिश के मौसम में जो रोग होते हैं उससे बच सकते हो। आप इसके लिए लहसुन का उपयोग भून कर सकते हो, ठीक है। भून कर आप उसे गर्म पानी के साथ ले सकते हो अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। और अगर आपको बस हेल्दी रहना है तो आप अपने खाने में लहसुन की मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। सब्जी वगैरह में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहे और आप ये बारिश के मौसम में जो भी रोग होते हैं उससे आप बच कर रह सकें। तो ये थे वो 5 मसाले जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो। आई होप दोस्तों आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।